कॉन्सेप्ट बस यही है कि जो लेडीज अपने घर से नहीं निकल पाती हैं उनको आगे लाना, और हर लेडी चाहती है एक ब्यूटी क्वीन बनना, तो बस उसी को लेकर मैं इसको आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैंने एक्सपीरियंस कुछ नहीं ऐसा खास किया था, मैं वैसे फैशन डिज़ाइनर हूँ तो मैं बहुत लेडीज से मिलती रहती हूँ, और उनकी जो भावनाएं हैं वो बाहर नहीं निकल पाती, वो काम नहीं कर पाती जो वो करना चाहती है, लाइक वो चाहती हैं हम एक्सप्लोर करें अपने आप को, तो वो नहीं कर पाती है। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो अपनी ब्यूटी, अपनी एटीट्यूड, अपने पर्सनालिटी को एक्सप्लोर कर सकती है। मैं अपनी कुछ बारे में मैं बताता हूँ कि मैंने आई हैव डिड लॉट्स ऑफ शोज, मैंने बहुत सारे शोज करे हैं, बट दिस इज माई फर्स्ट शो जो मैं जिसके अंदर मैं अपने पूरे जितने भी मेरे कॉन्सेप्ट हैं मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी किए हैं, तो इसके लेके मैं बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों से इंस्पायर्ड हूँ। मैंने बहुत सारे शोज देखे भी हैं, तो वहाँ पे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता लोगों के साथ बहुत सारी यू नो वेरी वेल कि किस तरीके से ये शोज होते हैं, है ना। तो बट हम लोग इस शो को उन सिटीज़ में भी जाके करना चाहते हैं जहाँ से लोगों को दिल में कुछ बातें रह जाती हैं, घरों से नहीं निकल सकते, उनको नहीं मिलता ये प्लेटफॉर्म जैसे अर्चना जी ने बोला, तो इस शो के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, मेरा सपोर्ट अर्चना और तुषार के लिए, और इसका जो कॉज है कि हम एक्चुअली इतनी लेडीज़ हैं जिनकी काफ़ी इच्छाएं मन में रह जाती हैं, उनको सिर्फ एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड जो उनको आगे खींच के ले आए और उनके सपने पूरे हो सकें। सो माई ओनली कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ एज अ सपोर्ट टू देम, एज अ सपोर्ट टू ऑल द वुमेन आउट देयर हु हेजिटेट एंड हु कैन नॉट कम आउट ऑफ देयर शेल्स। मेरा ये उनके लिए एक सपोर्ट है, ऐसे में इस तरीके से मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि ये फंक्शन में मैं पार्टिसिपेट हो रहा हूँ। मिसेस इंडिया 2017 जो शादीशुदा औरतें और मिसेस इंडिया में जो हिस्से ले रहे हैं उन सबको और ऑर्गेनाइजर को मैं मेरे तरफ से बहुत बहुत सारी बधाई देता हूँ। ओके, एज सेड, माय नेम इज रीटा मेकर एंड आई एम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, स्टडीड इन जर्मनी एंड प्रेजेंटली आई एम वर्किंग विद डॉक्टर वैशाली शाह एंड शी इज द ओनर ऑफ रास एस्थेटिक, दैट्स व्हाट द क्लिनिक इज ऑल अबाउट। वी वुड लाइक नहीं, अच्छा है औरतों के लिए यू नो एक सपोर्टिंग हैंड हो जाता है, एंड जिन्होंने कभी कुछ इवेंट किया नहीं है तो ये अच्छा जरिया है इवेंट, यू नो ये इस इवेंट के थ्रू आगे आने आगे बढ़ने के लिए।